कितने नुकसान है, किसको नहीं करना है, किसको करना है, सारा चीज आप लोगों को बताया जाएगा। योग 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 में ना योग योग गुरु बन गए। गुरु देखिए गुरु नहीं है लेकिन योग के बारे में कुछ जानकारियां, कुछ जानकारी लेके आए हैं गुरु जी से, जो आप लोग के बीच शेयर करेंगे आने वाले समय में। और आप लोग को योग से जोड़ा जाएगा हमारे SSB के मतलब उच्च अधिकारियों का, जो अभी है कि सबको योग से जोड़ना है। पेंट महाराज क्यों सर पे टांगे हुए? ये मैं नहीं, ये मैं योगी आदमी हूँ, ऐसे थोड़ी टांग सकता हूँ मैं। किसका है ये महाराज? ये सब ये किसी महायोगी का होगा। इसलिए आप लोग को योग से जोड़ा जाएगा, बताया जाएगा। और कुछ बताएं क्या क्या हुआ आप गए थे वहां? तो ये थोड़ा इसको पीछे से हटा देते महाराज। अरे वो हम योगी आदमी है, हमारे आगे पीछे क्या हो रहा है मुझे खुद पता नहीं है। हम मतलब जब योग में चले जाएंगे ना तो कांदराओं में समझिए यही हमारा ये हो जाएगा। आप पूरे चारों तरफ आपको शांत यही वातावरण बना दूंगा मैं। अच्छा। मंत्र से, मंत्र उच्चारण से, ओंकार के उच्चारण से प्राणायाम कराएंगे आपको। अच्छा। ध्यान कराएंगे, मुद्रा कराएंगे। कौन कौन मुद्रा कराइएगा? अभी देखिए आप पहले किसी भी आसन में, आसन समझते हैं? आसन नहीं समझते हैं, आपको समझाना पड़ेगा। नहीं एकदम समझ, थोड़ा थोड़ा तो जरूर समझते हैं, हम भी तो फौज के ही है ना। आसन जैसे कि आपको किसी भी आसन में बैठिए, जैसे कि जिसमें आपको सरल लगे, माने सुख की अनुभूति हो। अच्छा। बात समझ रहे हैं, उसको आसन बोलते हैं। जैसे कि पद्मासन हो गया, स्वास्तिक आसन हो गया, वज्रासन हो गया। महाराज रुकिए, और कुछ बताएं अपने बारे में, यहाँ से गए तो क्या हुआ? गए तो योग सीखने गए थे, योग के बारे में सीखे, 28 दिन का कोर्स था, सीखे, आप लोगों को उसके बारे में बताएंगे। मुद्रा, ध्यान, कैसे आपको, जैसे आप ड्यूटी करके आ रहे हैं फौज में, आपको टाइम नहीं मिलता है सोने का, तो बहुत कम समय में आपको मतलब आपका मतलब सोने का जो है ड्यूरेशन पूरा, यानी जल्दी नींद लगे। हाँ, जल्दी नींद लगेगा, जल्दी नींद लगेगा, और कम ही सोएंगे, आपको पता चलेगा कि हम बहुत देर सो लिए, आपका नींद मतलब पूरा हो जाएगा। अच्छा। योग निद्रा उसको बोलते हैं, योग निद्रा। योग निद्रा में आपको योग निद्रा कराया जाएगा, 20 मिनट में ही आपको 6 घंटा का नींद पूरा हो जाएगा। 20 घंटे में? 20 मिनट में। 20 मिनट में? हाँ, 6 घंटा का नींद आपको पूरा हो जाएगा योग निद्रा में। ये सब चीज सिखाया जाएगा आपको, बताया। उसके लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं होगा, आपको योग में ढाला जाएगा। आपका भी बॉडी जो है, शरीर जो है पूरा अकड़ा हुआ है, टाइट है, उसको योग के माध्यम से धीरे धीरे स्मूथ किया जाएगा, नरम किया जाएगा। अच्छा। बात समझ रहे हैं ना? उसके बाद में आपका चित्त इधर उधर घूम रहा है, भटक रहा है, आपके चित्र को एकाग्र किया जाएगा। अच्छा। शांत किया जाएगा, मन को शांत कीजिएगा, मन को शांत किया जाएगा। इसके लिए कौन सा योग? आसन है। अच्छा। आसन से आपको ध्यानात्मक आसन है कोई, आपको लगवाया जाएगा, सिखाया जाएगा उसके बारे में। हाँ, आपके मन में चंचलता है, इधर उधर भटक रहा है, तो उसको भी शांत कराया जाएगा योग के माध्यम से। बात समझ रहे हैं? बस यही है, योग से बहुत फायदे हैं आपको। ना, योग से मरे हुए आदमी को नहीं ठीक किया जाएगा। योग से मजे लेके जा रहे हैं, मजे मरे हुए आदमी को नहीं ठीक किया जा सकता है, लेकिन जो मरने वाला है उसको कुछ दिन तक चलाया जा सकता है। ये बात, योग में वो शक्तियां हैं, लेकिन उसको पहचानना पड़ेगा आपको, है कि नहीं? इसलिए आप लोग आइए, जुड़िए योग से। अभी मैं सेंटर खोलने जा रहा हूँ, 4 महीना आऊंगा मोरारजी देसाई से करके, तब मोतिहारी में सेंटर खोलूंगा मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो वहां आपको बुलाया जाएगा योग के बारे में। क्या फौज का नौकरी छोड़िएगा क्या? नहीं, देखिए फौज से ही तो ये हमको मिल रहा है। अगर फौज में हम नहीं होते तो इस थोड़े हमको सीखने को मिलता है कि नहीं? सिविलियन लोग कहाँ आएंगे, जो आएंगे वो नहीं, इफेक्टिव नहीं होगा ना, है कि नहीं? हम अगर कहीं जाकर सेंटर खोलते हैं, बताते हैं लोगों को योग के बारे में, तो लोग के अंदर ये होगा कि यार फौजी आदमी भी योग करता है। हाँ, ये है कि नहीं?
फौजी लोग भी योग से जुड़े हुए हैं तो थोड़ा लोगों पे दूसरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए अभी 4 महीना का कोर्स है जो मुरारी देसाई में होता है दिल्ली में, उसमें होगा। ये कराता कौन है वहाँ? वहाँ पे सिविलियन लोग हैं, जो सिविलियन योग गुरु जो होंगे वो योग गुरु जो हैं, विदेशों से भी वहाँ लोग कोर्स करने, डिग्री वाला कोर्स जो है 2-2 साल 3-3 साल का है। अच्छा अच्छा, वहाँ से सर्टिफिकेट भी मिलता है? हाँ, वहाँ से सर्टिफिकेट मिलता है, आपको करा सकते हैं आप योग। और कुछ बताइए, आपको 28 दिनों में क्या क्या मतलब आपके अंदर बदलाव लगा? मेरे अंदर क्या मतलब, योग के बारे में कुछ जानकारियां हमें मिला है कि नहीं, ध्यान है, प्राणायाम है, सूक्ष्म व्यायाम है, स्थूल व्यायाम है। आप लोग को नहीं अभी समझ में आया कि सूक्ष्म व्यायाम क्या है, स्थूल व्यायाम क्या है, पहले कौन सा व्यायाम करना है, कि पहले आसन करना है कि पहले ध्यान करना है, आपको तो पता नहीं है। यही चीज आपको बताया जाए कि पहले योग करने से पहले आपको क्या करना है, आपको कैसा वातावरण चाहिए, आपका स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए। अब आपको पेट का ऑपरेशन हुआ है, आपको करा दिया जाए योग, खतरनाक योग वो हो जाएगा, पेट फट जाएगा और योग दूसरे योग शुरू हो जाएगा, किसको कराना है नहीं कराना है ये सब भी देखना है योग में, यही सब तो देखना है, इसीलिए तो कोर्स कराया जाता है। यानी योग सबको करना चाहिए, इसीलिए सप्ताह में एक दिन फौज में ही बिल्कुल लागू कर दिया। सप्ताह क्या, रोज करना चाहिए योग, कम से कम आप 24 घंटे में 20 मिनट भी निकालिए योग के लिए। आप योग एक ऐसा चीज है आप कहीं भी कर सकते हैं, आप अपने बिछावन पे भी योग कर सकते हैं, बिस्तर पे भी। हाँ, आप अपने बिस्तर पे भी योग कर सकते हैं 20 मिनट, और उतना ही में आपका शरीर में स्फूर्ति बना रहेगा, आप पूरे पूरी मतलब स्वस्थ तंदुरुस्त मन तन सब चीज रहेगा। बस ये नहीं कि आपको योग करने के लिए कहीं जाना पड़े, ग्राउंड में जाना पड़े, फॉलो कराना पड़े, कहीं भी किया जा सकता है। आप अपने लिए 20 मिनट निकालिए, योग कीजिए दिन भर, पूरा स्फूर्ति के साथ पूरा दिन रहिए, इसी को योग बोलते हैं। बस अच्छा, इसीलिए पहले गुरु योग गुरु जो थोड़े ज्यादा दिन तक जिंदगी जी। हाँ, ये सब तो ये बहुत पुराने योग भारत की संस्कृति है, फिजिकल एक्सरसाइज से ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। एक एक बंदे का 6-6 kg वेट कम हुआ है 28 दिन में, रिकॉर्ड रहा है सुपौल ट्रेनिंग सेंटर में। 6 kg किसी बटालियन का एक लड़का था, उसका 6 kg वेट कम हुआ है, मेरा 3 kg वेट कम हुआ है। आप तो ऐसे ही पतले थे, लेकिन जिस दिन हम लोग इन हुए ना, उस दिन वेट हुआ, जिस दिन हम लोग का ओपनिंग हुआ और जिस दिन क्लोजिंग हुआ उस दिन भी वेट हुआ, ये 3 kg वेट मेरा कम हुआ। पूरा दिन योगा चलता था, पूरा व्यायाम, सूर्य नमस्कार 50-50 राउंड चलता था, एक राउंड में 24 आसन होता है, और 50 राउंड समझ जाइए कितना होता था सूर्य नमस्कार। 24 राउंड में, 24 बार व्यायाम में एक राउंड उसका खत्म, 24 चक्र का होता है सूर्य नमस्कार आसन। एक्चुअली अगर एक नियम के तहत किया जाए तो कितना मतलब कौन कौन सा मतलब इम्पोर्टेंट है जिसको हम लोग कर सकते हैं रोज? रोज करने में कोई भी एक, जैसे कि मुद्रा का कम से कम 1-2 मुद्रा आपको रोज करना है, जैसे ज्ञान मुद्रा हो गया, उसको कोई भी करे। ज्ञान मुद्रा से आपको है कि आपका ध्यान एकाग्रचित होगा, आपकी स्मरण शक्ति तीव्र होगी योग से। हाँ, ज्ञान मुद्रा एक मुद्रा है, मुद्रा भी ज्ञान, जो ये हमारा 10 उंगली है ना, 10 उंगलियों से अलग अलग धाराएं प्रवाहित होती है, ठीक है, आपको किस उंगली से किसको जोड़ देंगे तो कौन सा धारा आपका मतलब सामान्य हो जाएगा, जो असामान्य हुआ है, ये मुद्रा विज्ञान बताएगा, वो भी योग के अंतर्गत आता है, जिसमें सबसे पहले है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा से आपका सबसे मेन चीज है आपका ध्यान एकाग्रचित होगा। आपको ज्ञान मुद्रा रोज कम से कम 5 मिनट के लिए करना है, 5 मिनट नहीं 2 मिनट ही करिए, लेकिन ज्ञान मुद्रा कीजिए, ओमकार का उच्चारण कीजिए। ओम का, ओम से तो ऐसे भी, ओम में ऐसा शक्ति है कि आपको
कोई भी आसन प्राणायाम व्यायाम मत कीजिए, ज्ञान मुद्रा लगा के ओम का उच्चारण कीजिए 5 मिनट का, आपको देखिए आपके शरीर में क्या परिवर्तन हो रहा है, उसके बाद बताइए। एक केवल ओम का उच्चारण प्रथम चरण में आता है, ये ओम सबसे पहले, ओम सबसे पहले ओम का उच्चारण आपको कराया जाता है। योग करने से पहले प्रार्थनाएं कराई जाती है, कुछ प्रार्थनाएं हैं जिससे आपका ध्यान वहां योग स्थल से जुड़े, यानी कि हम कहीं से वर्किंग करके आ रहे हैं, काम करके आ रहे हैं, ड्यूटी करके आ रहे हैं, तो मेरा तो ध्यान बांटा हुआ है। तो जब तक आपका ध्यान एकाग्र नहीं होगा, आप उस जगह से नहीं जुड़ेंगे, आपको आपके क्या है योग क्या है, आपके ध्यान को एकाग्र करना है, आपका मन और तन दोनों एक जगह हो जाए, इसी को योग बोलते हैं। हो गया, बस यही चीज आपको योग के माध्यम से सिखाया जाता है। चलिए, है तो बहुत कुछ बताया, फिर बाद में भी आपसे इसके बारे में जानकारी लेंगे। जानकारी क्या, आप साथ में हैं, जानकारी क्या लेना है। नहीं, आप करके आए हैं, करके आए तो कुछ तो मतलब तो अलग एकदम ज्यादा जानते हैं। हम क्या जानते हैं, योग के बारे में थोड़ी जानते हैं, हमको इतना जानते हैं कि ग्राउंड में दौड़ना है, जिम लगाना है, डिप्स लगाना है, नहीं तो जानते हैं। चलिए, बहुत फिजिकल एक्सरसाइज जानते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज जानते हैं, योग जो साप्ताहिक कराया जाता है उसमें करते हैं। किसी को घुटने में प्रॉब्लम है, अगर उसको वो तो दौड़ नहीं सकता है, लेकिन योग के माध्यम से उसको स्वस्थ रखा जा सकता है उसको। हाँ, फौज में क्या है कि किसी को अगर घुटने में प्रॉब्लम हो गया तो वो नहीं दौड़ेगा, फिजिकल नहीं करेगा, और उसको फिर कब बैठे बैठे गैस बनेगा, कब्ज होगा। अरे राम राम उस्ताद, आज कोई अनफिट है, कोई माने कि शारीरिक जैसे घुटने में प्रॉब्लम हो गया, एंगल में प्रॉब्लम हो गया, नहीं दौड़ सकता है, तो फिर वो अस्वस्थ हो जाएगा, नहीं होगा। योग से उसको फिट रखा जाएगा फौज के लिए। योग में वो शक्ति है जो आपको, ये नहीं कि आप दौड़ेंगे तभी फिट रहेंगे ना, योग से भी आपको फिट फॉर रखा जा सकता है, इसलिए योगा कराया जा रहा है सब। योग ये है कि आप पैर घुटना में चोट या घुटना में प्रॉब्लम, हाथ में कुछ भी में योग कर सकते हैं। हाँ, योग वाला मतलब जो आसन है वो, चाहे जो घुटना संबंधी है नहीं करा, जो नहीं कर सकता है जिसको, वो नहीं कराया जाएगा, दूसरा कराया जाएगा, है कि नहीं, वो दूसरा उसके पास ऑप्शन। हाँ, पेट का एक्सरसाइज कराया जाएगा, भुजबली एक्सरसाइज कराया जाएगा, एक करधन वाला कराया जाएगा, उंगली शक्ति विकास कराया जाएगा, ग्रीवा शक्ति विकास, जिसको स्पाइनल का प्रॉब्लम है, गर्दन में लग जाता है ना, गर्दन में दर्द करता है। हाँ, उसका मेरे भी गर्दन में है, हमेशा दर्द रहता है। अरे सब क्या है, आप ऑफिस में काम करते हैं इसे करते, हाँ, ऑफिस में काम करते हैं इसे, कम से कम आप कितना देर इसे करके झुका काम करते होंगे, कम से कम 5 घंटा, 5 घंटा काम है, बहुत ज्यादा करते हैं 6 घंटा कम से। अरे मान लीजिए 10 मिनट, एक सपोज दैट मान लीजिए आप 10 मिनट ऐसे, तो 10 मिनट ऐसे कर रहे हैं तो किसी भी चीज का मानिए कि एक स्थिति बनाया गया है, एक गर्दन का स्थिति क्या है, ऐसा रहना है, तो उसको अगर हम ऐसा किए हैं, तो कभी ऐसा किए हैं आप, ऐसा करके कितना देर तक रहे हैं, नहीं रहे कभी, रहे हैं तो फिर ऐसे किए किए धीरे धीरे इसका जो हड्डी है वो अपना आकृति बदल रहा है, फिर वो उसी स्थिति में रहना पसंद करेगा, बाद में उसी स्थिति में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसमें अब लगाइए अब बेल्ट कुत्ता वाला, अब लगा के कुत्ता वाला, सही बोले, मतलब एक बात हंसने के लिए बोले, ये आप लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए कभी अपोजिट एक्सरसाइज किए, नहीं किए, तो क्या हुआ, आप उसी स्थिति में ढलते गया, आपका जो शरीर का अंग है उसी एक्सरसाइज स्थिति में ढलते ढलते उसी स्थिति में हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, डॉक्टर उसका इलाज शुरू करेगा, भिन्न भिन्न प्रकार का दवाई देगा आपको, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइएगा, फिजियोथेरेपिस्ट सबसे ज्यादा योगा से काम लेता है वो, फिजियोथेरेपिस्ट जितने डॉक्टर हैं योगासन से अपना पूरा काम चलाते हैं, पूरा योगा है उसमें, योगा के ऊपर ही फिजियोथेरेपी है, समझिए। वो क्या कराता है, आपको अपोजिट एक्सरसाइज कराता है, महिलाएं हैं दिन भर झुक के काम करती है, करते करते कमर में दर्द हो जाता है, अक्सर महिलाएं कमर के रोग से ग्रसित है, कभी उसने अपोजिट एक्सरसाइज किया ही नहीं, तो क्या है, ये जो हमारा मेरुदंड है L4 L5 L क्या क्या हो जाता है वही है, झटका से
कभी भी झटका से नीचे नहीं झुकना है, उसका पोजीशन बनाया गया है, आप कितना वजन उठा सकते हैं, बस यही योगा है। आपको तरीका बताया जाएगा जीने का तरीका, बस यही योगा है, समझ गए। अच्छा, नेक्स्ट बार कुछ और जानकारी आपसे लिए जाएगी, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी।